नरेंद्र मोदी की लहर जब से भारत में चलने लगी है तब से कांग्रेस के खेमे में बड़ी हलचल है। कई राज्यों में सरकारें कांग्रेस के दामन में आई और कब छिनकर चली गई पता नहीं चला, चाहे गोवा की बात करें या फिर हालिया दिनों में गठबंधन तोड़वा कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में सरकार बनाने की बात हो। यूं ही बाड़मेर के सिवाना इलाके में कांग्रेस की प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की प्रधान ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सचिव हरीश चौधरी से लगाकर दूसरे कांग्रेस नेताओं ने उन्हें हटाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। बाड़मेर की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है मेवाराम जैन, जो बाड़मेर विधायक भी हैं और मोदी लहर में भी उन्होंने कांग्रेस की रही सही साख को बाड़मेर में बचाया था। लेकिन उनके नाम पर एक और टैग ये भी जुड़ा है कि बाड़मेर नगर परिषद का बोर्ड भी लगातार उन्हीं के प्रयासों से बना है और इन दिनों बाड़मेर शहर सोशल मीडिया हर जगह, हर ढाबे, चाय की दुकान, अखबार की दुकान, हर जगह चर्चा है कि नगरपालिका के सभापति लूणकर्ण बोथरा को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाने की तैयारी चल रही है। आज हम बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो चर्चा चल रही है इसमें हकीकत क्या है। सर, सभापति को हटाए जाने की चर्चा शहर भर में, सोशल साइट्स पर, जगह जगह चल रही, कोई इसका खंडन नहीं कर रहा, कांग्रेस की तरफ कोई खंडन नहीं आया। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर पार्षदों ने एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा और उसमें सब मिले और उसके बाद में मेरे पास भी एक दिन मिलने आए कि भाई स्वतंत्रता दिवस है और एमएलए साहब के पास जाएं, तो मेरे पास ज़रूर आए। पर मेरे सामने एक भी पार्षद ने ये नहीं कहा कि अविश्वास प्रस्ताव चेयरमैन के विरुद्ध लाना है, ये बात मेरे सामने आज तक नहीं आई। लेकिन सर, बाड़मेर सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की जो बात है ये पहली बार हवा में नहीं आई, इससे पहले भी तीन चार बार बाड़मेर शहर में ये चर्चा हुई है कि पार्षद बहुत नाराज है सभापति से। ये बाड़मेर शहर में चर्चा पता नहीं कौन करता है, इसका तो मुझे पता नहीं। नाराजगी हर पार्टी में होती है, कोई पार्षद नाराज हर जगह कोई होता है, वापस राजी कर लिया जाता है, कोई कौम के लिए थोड़ी बहुत कोई नाराज़गी भी हो सकती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बात पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। आप संतुष्ट हैं सभापति के कार्यकाल से? नहीं, संतुष्ट तो पार्षदों को होना है। आप संतुष्ट हैं विधायक होने के नाते? मैं तो पूरे बाड़मेर जिले में हम संतुष्ट ही हैं। मैं सर कह रहा हूं कि बाड़मेर नगर परिषद के सभापति लूणकर्ण बोथरा के कार्यकाल और शहर में अभी तक के उनके द्वारा जो करवाए गए कार्य हैं, क्या बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन इससे संतुष्ट हैं? बाड़मेर की जनता से पूछो। जनता तो चिल्ला रही साहब, मैं आपको, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जगह जगह आप मेरे साथ चलें, हम रोज जाते रहते हैं, ठीक है, आप मेरे साथ चलें स्टेशन रोड, शहर के राय कॉलोनी रोड जहाँ आपके घर का रास्ता है वहाँ की हालत देख ले, तो पिछले कलेक्टर बंगले से लगाकर और तन सिंह सर्किल तक सड़क भी सभापति आपके कहने के बावजूद नहीं बना पाए, खड्डे जगह जगह। नहीं, खड्डे तो बरसात ज़्यादा होने की वजह से बाड़े की सड़कें टूटी जरूर। सर, तीन साल से लगातार बरसात चल रही है क्या? नहीं, बाड़मेर में आप जो जिस ढंग से बात कर रहे हो, मेरे का हमारे आपस में कोई मतभेद नहीं है। मैंने आपकी मतभेद की कोई बात की नहीं, मैं तो आपके संतुष्ट या असंतुष्ट होने की बात कर। नहीं, संतुष्ट पूरी तरह से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ। सर, बात संतुष्ट होने या असंतुष्ट होने की है, मैं आपसे बाड़मेर की आम जनता की तरफ से ये सवाल जरूर पूछना चाहूँगा कि नगर परिषद में सफाई, सड़क, रोशनी की व्यवस्था और आवारा पशु जिनको सभापति जी तथाकथित तरीके से डीसा की गौशाला में छोड़ के आ गए, इसके बाद आपके कार्यकर्ता एक छोटू सिंह, वो भी पिछले दिनों एक बैल की लड़ाई के अंदर घायल हुए, उनके साथ एक और वृद्ध व्यक्ति थे, तो ये जो दावे किए जाते हैं बार बार, क्या इन दावों के ऊपर विधायक के रूप में आप सहमति जताते हैं कि साहब हमारा बोर्ड और हमारे सभापति बढ़िया काम कर रहे हैं? बरसात की वजह से जरूर दिक्कत है और इस वजह से जनता संतुष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये बरसात से रोड टूट गई है, कुछ लोगों ने आवार पशु शहर के अंदर छोड़ दिए, तो आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कभी कभार सर, जो चीज़ सामने दिख रही होगी, जनता पूरी बाड़मेर की जनता रोज जिन चीज़ों को देखती है, उसको अगर आप विधायक के तौर पर नकारते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं या बरसात की वजह से ऐसी दिक्कत है, तो जो लोग ये सुनेंगे कि बाड़मेर विधायक सब जानते हुए भी नकार रहे, तो ऐसा नहीं लगता कि एक गलत प्रभाव पड़ेगा और विधानसभा चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं है?
कचरा निस्तारण की बात करें, आपका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है बाड़मेर का बोर्ड बनाने में। बाड़मेर का जो गड्ढा रोड है, यहाँ पर कारेली नाड़ी और थोड़ा आगे के करीब नगर इलाका है, वहाँ पर डंपिंग स्टेशन कचरे को बना दिए। कुड़ला वर्ग वो कचरे का डंपिंग स्टेशन और वहाँ पर एक प्लांट भी लग गया है सीवरेज का। गेहूँ रोड वो भी कचरा पात्र बना दिया गया है। शहर पूरे को शहर की गंदगी आसपास जहाँ आबादी बढ़ रही है उस इलाके में अगर इसी तरह फैलाएंगे तो इसको अच्छा बोर्ड कैसे कहा जाए? क्या भविष्य के बारे में, ऐसा नहीं कि शहर का भविष्य खराब हो जाए? इसके लिए अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले ये बच्चों को इस कचरे के लिए हमें क्या करना है, बसों के लिए क्या करना है, आप चाहे मीडिया उसमें आए थे, हम प्रयास करें उनको किस तरह से इस कचरे का निस्तारण सही से करें, किस तरह से हमारा पशु है उनका व्यवस्था कर पाए और किस तरह से कचरा है चाहे शहर को साफ सुथरा कैसे बना सकें, उसका हमारा प्रयास रहेगा कि भी मान बनाकर उसको जल्दी। शहर के हालातों की बात करें तो विधायक के रूप में आप क्या मानते हैं कि शहर में अभी जो जिस तरीके से बसावट हो रही है वो ठीक है, पहला सवाल? और दूसरा ये कि अवैध रूप से अतिक्रमण जो जिस तरीके शहर और आसपास हो रहे हैं, क्या बोर्ड उसको आपको लगता है गंभीर है? उसमें तो बोर्ड को क्या काम अधिकारियों का है कि उनको रोकना होता है? अधिकारी तो सर ज़्यादा रुकते नहीं, अब आयुक्त कुछ ठहरा हुआ तो चल गए क्यों, कर्मचारी ऑलरेडी है, कितनी बार मांग की आपने कि कर्मचारी कौन सा है? सरकार तो हमारी है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अधिकारी रखना बदलना उनका काम है, उनको जो भी अधिकारी आते हैं उनसे काम लेना और जिस जैसा भी है प्रयास बोर्ड का भी यही है कि काम करें। अतिक्रमण के मामले में आप सीखे रहे कि अतिक्रमण जो हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए और मेरा भी प्रयास यही रहेगा शासन से भी बात करूँगा कि अतिक्रमण नहीं हो और जो लोग पुराने बैठे हैं उनको पता मिल जाए, इज्जत मिल जाए, उसकी भी प्रयास होना चाहिए कि वर्षों से कैसे लेकर बैठे हैं उसको नहीं मिल। सर पार्टी लाइन से बाहर अगर आप शायद बात करना नहीं चाहते कि क्योंकि बोर्ड आपका है इसलिए एकदम से सहमति आप बता नहीं सकते, लेकिन कम से कम आपकी सभापति से बात होती होगी तो कभी आपसे जब बात होती तब उनकी ओर से कभी आपको लगता है कि वो पॉजिटिव है? 3 साल का वक्त मिल गया, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, अगला बोर्ड जब आप बनाने जाएंगे जनता के बीच में तब उषा जैन का कार्यकाल और ड्रोन का मोथा कार्यकाल इन दोनों को आपके सामने रखा जाएगा, तब आपका जनता को रिप्लाई क्या होगा? चिंता करेंगी तय पिछला बोर्ड भरोसा सर आपकी बातों में नहीं, भरोसा तो उनको चिंता करेगी तय कि भाई पिछले बोर्ड से इस बोर्ड ने अच्छा कार्य किया या कैसा किया आप ही बता दो सर। अच्छा कार्यकाल किसका कह रहा हूँ, प्रयास तो हमारा दोनों का ही, उनका भी और दोनों बोर्ड का प्रयास तो यही रहेगा अच्छा कार्य करे और जनता की समस्या जो भी है उसको हम जनता और चाहे पार्षद इनकी जो भी समस्या है उनको हम मिल बैठ कर कैसे सरकाए ये हमारा प्रयास है। सर सिवाड़ा के अंदर जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे, वो पार्टी को कितना नुकसान देगा और ऐसी घटनाएं बढ़े ऐसे कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा नहीं मिलेगी ऐसी ऐसी घटना नहीं एक बार होगी है किस प्रकार होगी इस पर विचार कर रहे हैं, लाइन में विचार कर रहे हैं और भविष्य में ऐसा बाढ़ में वैसे कोई नहीं होगा दोबारा कोई ऐसी पुनरावृत्ति। नगर परिषद की मतलब सभापति की जो सीट है वो सुरक्षित है आपके हिसाब से? तो सर राज्य सरकार का जो बाड़मेर नगर परिषद की तरफ जो ध्यान है वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बोर्ड आपका नहीं इसलिए ध्यान नहीं है क्योंकि बार बार आपके बोर्ड द्वारा भी कहा जाता है कि सरकार हमारी नहीं है? ये तो राज्य सरकार की तरफ से लिखी हुई है काम को नगर विकास के लिए कैसे मिले सीवरेज का है आदि शहर की आदि शहर उसकी समस्या नहीं है विकास के लिए कौन सा है तो सर जो यहाँ पर सर अगर मान लीजिए कोई आवेदन करता है कि मुझे पट्टा दीजिए अगर उसका बुनियादी पट्टा सही पट्टा भी है तो भी साइन तक होते नहीं पैसा आएगा कहाँ से? आप अपनी जो अर्निंग के सोर्सेज हैं उनसे जब वसूली कर नहीं पा रहे हैं
तो आप ये क्यों उम्मीद रखें कि आप खुद काम नहीं करें सरकार आपको पैसा देती है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी है ये वोट को फॉर्म करने के लिए नहीं था और कंटिन्यू आप देखो तो जब भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद में नगर पालिका की कार्यों को लेकर और अधिकारियों को लेकर FIR शिकायतें मतलब इतना टेरर पैदा कर दिया नगर परिषद ने कि नगर परिषद में कोई काम करना ही नहीं चाहता। सर सड़कों पर आप कभी नहीं उतरेगी थी सर, सरकार वाले को काम करने देती नहीं, बोर्ड आपका है, पार्षद आपके ज्यादा है, कभी हमने देखा नहीं कि वो सिवाय अविश्वास प्रस्ताव की जो चर्चा है फ्लैश ऑफिस से अविश्वास प्रस्ताव की जो चर्चा है इसके अलावा या खाना खाने के अलावा कि चलो स्नेह मिलन करते हैं या इसके अलावा कभी उनको ये इस मुद्दे पे हमने इकट्ठा हुए देखा नहीं, प्रशासन को ज्ञापन देते हुए देखा नहीं, राज्य सरकार के पास जाते हुए देखा नहीं कि साहब नगर परिषद में ये हालात है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पब्लिक का काम नहीं हो रहा है और हम दिक्कत में है। तो जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक पब्लिक को कैसे पता चलेगा? सर विधानसभा की कार्रवाई से हर बाड़मेर विधानसभा और नगर परिषद का जो कार्मिक या जो यहाँ का रहने वाला है वो विधानसभा के बारे में नहीं जानता, कई लोग पता नहीं कि विधानसभा कार्रवाई कैसे होती है। आपके अविश्वास की बात मीडिया के द्वारा जब भी अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा रहा है बाकी वरना मेरे पास अभी तक अविश्वास की कोई बात नहीं है। सर सोशल साइट्स पे आपके जो पार्षद है वो छुपे शब्दों में लिख रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव शिवाना के अंदर बाड़मेर में हो सकता है। मैंने न तो मेरे पास ये बात आई न मुझे पार्षदों ने या किसी ने ये बात अभी तक कही, अगर ऐसी कोई बात आएगी इतनी बैठ के बात करेंगे, अभी तक कोई अविश्वास की मेरे सामने ये इशू आया ही नहीं। शिवाना वाला इशू आया तब आपने वरिष्ठ जिले के नेता होने के नाते कोई उसमें बातचीत करने का प्रयास किया था? बिल्कुल किया था, असफलता मिली उसमें, असफलता मिली उसमें, हमने प्रथम वो लय भी उसमें जी और प्रथम खुद भी उसमें पता नहीं उस मीटिंग में नहीं है हमारे फिर मैं तो चला हेयर वाली जी वगैरह उसमें थे, हमने सीधा का प्रयास भी किया पता नहीं दुर्भाग्य से किस कारण ये प्रस्ताव पास हो गया। पार्टी में तो कुछ नहीं पर हम चाहते हैं कि इसमें ऐसा नहीं। सर चुनाव में क्या उम्मीद करते हैं कि अगली बार कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली, ये सारी जो स्थितियाँ देख रहे हैं इसके अनुसार शिवाना में अब एक आपकी काफी सीट उसके ऊपर से आप बाद में हटिया टूटना बिखरना ये भी ठीक नहीं जाता, टूटना बिखरना तो कई एक जगह कोई पूजा से भी हो सकता है, कोई ज़्यादा कोई कारण हो सकता है। बाकी आप उनके बोले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और बाड़मेर की सातों सीटें कांग्रेस के लिए क्यों फिर वो आज कह रहा हूँ मैं आपको, इसलिए कुछ चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे झूठे आश्वासन उनसे जनता तंग आ चुकी और नीचे राजस्थान में सरकार कांग्रेस की नहीं उसमें इसमें कोई दो नहीं कि बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन जिस तरीके से दावा कर रहे हैं उनका ये स्पष्ट कहना है कि सरकार तो हमारी ही आएगी बस विधानसभा चुनाव हो जाने दो, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से लगाकर सेवाना में हुई घटना जिसमें कांग्रेस के प्रधान को हटाकर वहां पर दूसरा प्रधान बिठाया गया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये जरूर कहते हैं कि नुकसान तो इससे उठाना पड़ सकता है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी से जनता को इंटरेस्ट है और आगामी चुनावों में कांग्रेस को इसका फायदा होगा। लेकिन बाड़मेर की चर्चाएं और उनके ऊपर उठ रहे सवाल जिसमें सभापति को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाने की बात चल रही है इसमें बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन पूरी तरीके से उनका बचाव करते हुए नजर आते हैं कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है और अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम मिल बैठकर इसे पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़ बाड़मेर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।